एबीपीएस न्यूज़। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पवासा में स्थित केली पतरासी गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने कमलेश देवी को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 4500 की आबादी व 1600 वोटर वाले इस गांव की ब्लॉक से दूरी 8 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 20 किलोमीटर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 312 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गाँव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 36 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 10 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 125 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 33 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। इसी के साथ गांव में 20 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली व जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री का भी निर्माण कराया गया है। वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवासों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। मैं ग्राम प्रधान पति महेश, ग्राम काली पतरासी, विकास खंड पमासा, जनपद संभल। हमारे गाँव में जो धनराशि आई उसके हिसाब से हमने काम कराया, लेकिन अब भी हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य समस्या है, कोई अस्पताल हमारे यहाँ नहीं है, ना ही पंचायत घर है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है और मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। हमारे यहाँ पैसा बहुत कम आता है, इसलिए विकास कार्य नहीं हो पाता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर सही पैसा आए तो हम विकास कार्य को और अच्छी गति दे सकते हैं। हमारे पास मकान नहीं था पहले, और उसके बाद जो है कि प्रधान जी ने हमारा मकान बनवाया और अच्छा काम करवा रहे हैं प्रधान जी। हमारे पास जो भी सुविधा है वो प्रधान जी अच्छी दे रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं ग्राम पंचायत कैली पतरासी रहने वाला हूँ। पहले ये इतनी गहरी खाई थी यहाँ पर, लेकिन आज भी दुबले हो गया था जाने के लिए। हमारे पिताजी ने ये रोड डरवाया है, बड़ी अच्छी बात है।